दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्कल कैप और स्कार्फ पहने हुए नमाज अदा करते हुए एक पिक्चर वायरल हो रही है। दावा ये किया जा रहा है कि वो 1 जनवरी को दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज अदा करके साल की शुरुआत की है। तस्वीर को सबसे पहले इस दावे के साथ लो बीपी न्यूज नाम के एक ट्विटर अकाउंट ने शेयर किया और उसके बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस तस्वीर को इस क्लेम के साथ अपने टाइमलाइन में जगह दी। मजेदार बात यह है कि लो बीपी न्यूज के ट्विटर बायो में ये लिखा है कि उनकी खबर सच्चाई से बहुत दूर है। जब हमने इस फोटो की जांच की तो हमने पाया कि इस फोटो को झूठे दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इस फोटो पर रिवर्स इमेज सर्च करके हमें हिंदी डेली जनसत्ता का एक आर्टिकल मिला जो कि 7 जुलाई 2016 का था। उस आर्टिकल में केजरीवाल का नमाज अदा करते हुए तस्वीरें थी। आर्टिकल में आम आदमी पार्टी पंजाब का वो ओरिजिनल 2016 का ट्वीट भी था जब उन्होंने ये फोटो पहली बार शेयर किया था। फोटो के कैप्शन में पंजाबी में लिखा है हैप्पी ईद टू यू ऑल। हमें ट्विटर पर कीवर्ड सर्च के जरिए ओरिजिनल ट्वीट भी मिल गया। साफ तौर से ये तस्वीर 1 जनवरी 2021 की तो नहीं है। इसके अलावा हमें पता चला कि केजरीवाल पंजाब के पटियाला के मलेर कोटला संगरूर में नमाज अदा कर रहे थे रमजान का रोजा तोड़ने के पहले और ना कि दिल्ली के जामा मस्जिद में। केजरीवाल नमाज करके कीवर्ड सर्च करने पर हमें इंग्लिश डेली हिंदुस्तान टाइम्स के कंटेंट सर्विस पर दूसरे एंगल से फोटो भी मिली। तस्वीर हिंदुस्तान टाइम्स के फोटोग्राफर भरत भूषण ने खींची थी। हमें गेटी इमेजेस पर भी इवेंट के तस्वीरें मिले जो कि 4 जुलाई 2016 में अपलोड की गई थी। तो इससे साफ होता है कि एक पुरानी तस्वीर एक गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है ये कहने के लिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी साल की शुरुआत दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज अदा करके की, जबकि ओरिजिनल फोटो लगभग 4.5 साल पुराना है। अगर ऐसी कोई फोटो वीडियो या इन्फॉर्मेशन हो जिसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो हमें लिखें webcoof@thequint.com पर या फिर व्हाट्सएप करें 9643651818 पर। तब तक के लिए क्विंट हिंदी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वेबकूफ बिल्कुल मत बनें।